वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नए साल का स्वागत सख्ती के साथ होगा। प्रशासन और सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में नए साल पर नाइट आउट जैसी प्लानिंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। सोनीपत पुलिस प्रशासन ने अभी से अपनी तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं, बेहतर कर ली हैं। मनमानी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सोनीपत पुलिस ने पेट्रोलिंग के लिए विशेष टीम भी तैयार की है। सामूहिक पार्टियों के आयोजन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सोनीपत पुलिस की तरफ से 31 तारीख को शाम को 5 बजे से ही हमारी सिटी सोनीपत में 11 राइडर्स है, वो कंटिन्यूअस गश्त करेगी और रात में एक तारीख की रात में 2 बजे तक वो कंटिन्यूअस अपना गश्त करेंगी और जो भी इस तरीके की रूल्स को ब्रेक करते मिलेंगे उनके अगेंस्ट पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो जो लोग न्यू ईयर की प्रिपरेशन करने के लिए ढाबे वगैरह में जाने का प्लान कर रहे हैं, उन सबसे मेरी यही अपील है कि वो रात में 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकले, वरना उनके अगेंस्ट पूरी कार्रवाई की जाएगी।